Morning students, how are you all? I hope you all are good and fine. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in Standard 5 EVS subject chapter 1. आज हम 5th standard का EVS environmental study subject का पहला chapter पढ़ेंगे. Chapter का name क्या है? Who will do this? ये किसने ये और करेगा, right? तो हम यहाँ पे वो चैप्टर पढ़ने के से पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे. तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज दिखाई गई है, वो हम पहले समझेंगे, उसके बाद पहला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट टू ओपन योर ईवीएस एनवायरमेंटल अराउंड अस टेक्स्ट बुक. सभी बच्चे जो है टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 1 निकालेंगे. पेज नंबर 1 पे देखो इंट्रोडक्शन दिया गया है. सो इंट्रोडक्शन में क्या है? फिल इन द कलर्स, डू नॉट प्रिंट वर्क. तो यहाँ पे आपको जो है देखिए कलर्स फिल करके थंब का इंप्रेशन, फिंगर का इंप्रेशन, थंब या फिंगर से अलग अलग ड्राइंग डिजाइन की ड्राइंग बनाई गई है, राइट? तो आपको जो है वो क्या करना है, पेंट करना है या कलर करना है, उसको पेंट वर्क नहीं करना है. तो आपको यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके अलावा और जो डिजाइन आपको पसंद है, जैसे कि स्पैरो हो गया, बटरफ्लाई हो गया, उसको भी आप पेंट से कर सकते हो ना, तो वैसे यहाँ पे कंप्लीट करना है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट पेज स्टोरी. थिंक एंड से, तो यहाँ पे स्टोरी, स्टोरी में क्या करना है, आपको एक स्टोरी प्रिपेयर करनी है और वो स्टोरी जो है आपको अपने मम्मी डैडी को घर पे बतानी है. ओके, अब थिंक एंड से, विच ऑफ योर फ्रेंड आर टॉलर देन यू. तो आपको ये सोच के बताना है कि आपका ऐसा कौन सा दोस्त है, उसका नाम बताना है कि वो आपसे टॉलर है, लंबा है. ओके, विच फ्रेंड्स हाउस इज फार्थेस्ट फ्रॉम योर हाउस. कौन से फ्रेंड का घर आपके घर से दूर है, वो आपको लिखना है वो फ्रेंड का नाम. विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर शॉर्टर देन यू. अब इसमें आपका कौन सा फ्रेंड आपसे छोटा है, वो फ्रेंड का नाम लिखना है. विच प्लेस डू यू लाइक टू डू लाइक द मोस्ट इन योर स्कूल. तो आपको स्कूल में कौन सी प्लेस सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, कंप्यूटर लैब हो गया, स्कूल का प्ले ग्राउंड हो गया, कौन सी जगह आपको स्कूल में पसंद है वो जगह का नाम लिखना है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अब ये आउटडोर गेम्स है. आउटडोर गेम्स में जैसे फुटबॉल हो गए, वॉलीबॉल हो गए, कबड्डी हो गई, लंगड़ी हो गई, फिर हाइड एंड सीक हो गया, फिर आइस वाटर हो गया, ये सारी आउटडोर गेम्स आप खेलते हो ना. ओके, सो नेक्स्ट पजल. सर्कल ओ द मिस्टेक इन द पिक्चर गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया गया है जिसमें दो लड़के हैं, एक लड़का पंखा चला रहा है, हाथ से हैंड फैन है उसके पास, और दूसरा लड़का जो है वो टीवी देख रहा है. तो उसमें कौन से मिस्टेक है वो आपको ढूंढनी है. जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये पंखा चल रहा है फिर भी ये लड़का जो है वो हाथ पंखे से, हाथ वाले पंखे से हवा डाल रहा है. तो ये क्या है, ये जो हैंड फैन है वो मिस्टेक है. तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है. ओके, अंडरस्टैंड? फिर ये दूसरा लड़का जो है वो टीवी नहीं देख रहा है और किसी और से बातें कर रहा है, तो ये भी एक दूसरी मिस्टेक है, राइट? फिर यहाँ पे लैंप, लैंप जो है वो फोटो फ्रेम के ऊपर लगा है, तो ये भी एक मिस्टेक हो गई. तो यहाँ पे भी आपको सर्कल करना है. फिर फोर्थ मिस्टेक देखो, यहाँ पे टीवी जो है वो ऑन है लेकिन टीवी का जो प्लग है वो टीवी के ऊपर ही है, तो वो भी एक मिस्टेक हो गई. अगर टीवी का प्लग बाहर है तो टीवी कैसे चालू है, तो यहाँ पे भी आपको सर्कल करना है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो परफॉर्म एक्ट एंड रोल प्ले. तो अब आपको जो है सिंगिंग और डांसिंग करनी है, तो ये एक्टिविटी आपको घर से सॉल्व करनी है. अब यहाँ पे नीचे की एक्टिविटी भी आपको क्या दिया गया है, एक्टिविटी 7 में पपेट बनाना है, फिंगर पपेट होता है ना वो बनाना है. जैसे कि आपको एक कार्ड लेना है, वो कार्ड को पहले कैट का वन साइड फोल्ड करना है, फोल्ड करके वन साइड हाफ फेस ऑफ द कैट, कैट का या टाइगर का या फिर डॉग का, आपको जो
दूसरा लगता है टेबल साफ कर रहा है, कुछ बच्चे बेंच साफ कर रहे हैं, किसी ने जो है हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है। तो आप भी जैसे ये बच्चे स्कूल की क्लासरूम की साफ सफाई कर रहे, वैसे भी आपको भी आपके क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर वहाँ पे डस्टबिन रखा है तो आपका जो भी गार्बेज होगा, कचरा होगा, वो डस्टबिन में थ्रो करेंगे, ना कि आपकी बेंच के नीचे डाल देंगे। सेम चीज आप अपने घर में भी फॉलो कर सकते हो कि अगर आपने कुछ भी आपका वेस्टेज होगा या फिर कुछ भी कचरा होगा उसको हम डस्टबिन में डालेंगे, ना कि ऐसे बाहर जाके रोड पे फेंक देंगे या बाजू वाले के घर के पास डाल देंगे। ओके, सो क्लासरूम एक्टिविटी में देखो सर पढ़ा रहे, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे, तो आप लोगों को भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है। ओके, अंडरस्टैंड। अब एक्टिविटी 10, राइट अबाउट योर फ्रेंड। तो ये एक्टिविटी में आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है कि आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, आपके बेस्ट फ्रेंड कहाँ पे रहता है, उसकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद आती है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, नेक्स्ट पेज एक्टिविटी 11, तो ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करना है, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व व्हाइल कमिंग फ्रॉम होम टू स्कूल। आपको घर से स्कूल के दौरान जब रास्ते में आते हो तो कौन कौन सी चीजों का आप ऑब्जर्वेशन करते हो और वो चीजें आपके लिए यूजफुल होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में लिखना है। वन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू हियर, राइट। जैसे कि डॉग, तो डॉग आपके लिए यूजफुल है, राइट। हाँ, यूजफुल है, तो यहाँ पे आपको राइटिंग करना है। फिर आपको काउ, फ्लावर्स, प्लांट्स, गार्बेज, एनिमल्स, जो भी आपको रास्ते में दिखे उनका नाम लिख देना है। अगर यूजफुल है तो यस करेंगे और नॉट यूजफुल तो नो पे टिक आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड कर लोगे ना। ओके, अब एक एक्टिविटी क्या है, सिंपल, दिस सिंपल इज फॉर मेकिंग द स्टूडेंट सिंग। तो यहाँ पे जो है एक सिंपल दिया गया है तबले का, तो वो जो है वो क्या है, वो अगर आपको सिंपल दिखे तो वहां पे आपको गाना गाना है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया। ओके, सो हम अभी हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नेम क्या है, हु विल डू दिस, ये कौन करेगा। तो यहाँ पे पहले हमें स्टोरी दी गई है, सो सभी स्टूडेंट जो अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और समझेंगे भी। ओके, मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर। तो यहाँ पे स्टोरी दी गई है किसकी, मीना और चिंटू की। तो मीना और चिंटू क्या है, ब्रदर और सिस्टर है। दे स्टडी इन स्कूल, चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। वो स्कूल में, दोनों स्कूल में पढ़ते थे लेकिन चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं था। मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली व्हाइल चिंटू इज इररेगुलर। सो चिंटू जो है वो किसी दिन स्कूल जाता था और नहीं जाता था, वो इररेगुलर था, लेकिन मीना स्कूल जो है रेगुलरली जाती थी। मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ चिल्ड्रंस, नेमली मीना एंड चिंटू। लेकिन उनकी मम्मी जो थी वो दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे। तो उनके जो दादाजी थे वो मीना और चिंटू को हर रोज नई नई कहानियां सुनाते थे। ग्रैंडमदर टीचेस देम हाउ टू सिंग, और उनकी दादी उनको क्या सिखाती थी, गाना गाना सिखाती थी। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन अ स्कूल। सो स्कूल में सर चिंटू और मीना दोनों बच्चे जो है सबको बहुत प्यारे लगते थे। दे आर फ्रेंडली विद ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। मॉम एंड डैड्स आर वेरी मच वरीड अबाउट चिंटू स्टडी। तो वो दोनों जो है दूसरे बच्चों से भी बहुत ही अच्छे से पेश आते थे, लेकिन मम्मी और डैडी को चिंटू की पढ़ाई की चिंता रहती थी। क्यों, क्योंकि चिंटू जो है स्कूल रेगुलरली नहीं जाता था। दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। और वो ये जो है मम्मी और डैडी चिंटू के, वो बहुत ही ज्यादा संभल के रहते थे कि उसका उनका जो बच्चा है चिंटू जो है वो स्कूल रेगुलरली जाए। ओके, तो मीना और चिंटू की ये स्टोरी के बारे में समझ आया आपको। तो यहाँ पे देखो थिंक एंड से है, तो आपको ये सोच के आंसर देना है ना कि बुक के अंदर से। व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक टू गोइंग टू स्कूल। चिंटू को स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि उसको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी इसलिए उसको स्कूल जाना नहीं पसंद था, राइट। व्हाट
कि हमारी प्राइमरी डिग्रीज क्या है। वी गेट मैनी फैसिलिटीज वेर वी डिसाइड और वेल टू प्रिजर्व एंड मेंटेन दैट इज आवर मोरल ड्यूटी। वी यूज वाटर एंड हेल्थ इट इज आवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली। इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन अ ट्री स्ट्रीट एंड आवर एनवायरमेंट। इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज एंड एमिट आवर एमिनिटीज वाइजली एंड रैशनली। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी ड्यूटीज की बात की गई है कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारी अर्थ पे, राइट। तो हमारी अर्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हम हमारे एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर रहे हैं कि हमारी अर्थ जो है उसकी ग्रीनरी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटीज है कि हमें उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसकी देखभाल, उसको संभालने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए। जैसे कि हमें हमारा सराउंडिंग जो है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर वाटर जो है, वाटर का यूसेज जो है हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। हमें वाटर को सेव करना है ताकि हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है वो वाटर का यूज कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे अर्थ पे जो है 0.001% ही पानी पीने लायक है, बाकी सब सॉल्ट वाटर है। तो अगर वो पानी का यूज हम ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो पानी की कमी महसूस होने वाली है, राइट। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम पानी का कम इस्तेमाल करें, राइट। और ट्रीज, जैसे कि अभी लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, घर को सजाने के लिए, बेड बनाने के लिए ट्रीज को काट दे रहे हैं और उसकी लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं। तो ये चीजें हमें रोकनी चाहिए, ओके। सो ये सारी हमारी प्राइमरी ड्यूटीज है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे आसपास का एरिया, हमारी गली, हमारी सोसाइटी, वो सबको हरा भरा रखना चाहिए और सब जगह पे साफ सफाई रखनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको देखो दिखाई दे रहा है, एक लड़का झाड़ के नीचे बैठ के टॉयलेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना सबको, खुले में शौच कर रहा है। और एक लड़की जो है दूसरे पिक्चर में वो टॉयलेट का यूज कर रही है। तो ये दोनों पिक्चर्स में से अच्छा पिक्चर कौन सा है, यूज ऑफ द टॉयलेट, राइट। टॉयलेट का यूज करना अच्छी बात है, अगर हम खुले में शौच करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलने से बीमारियां बढ़ेगी और फिर हम ही बीमार होंगे, राइट। गंदगी भी हमने फैलाई, बीमारी भी हमें हुई, ऐसी बात हो गई है। तो अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो, घर के या कोई भी फैक्ट्री बिल्डिंग के बाहर जो गटर का पानी है, गंदा पानी, वो ऐसे ही रास्ते में छोड़ दे रहे हैं। तो ये गंदी बात है ना, तो उसको क्या करना है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उसको डेवलप करनी है, गटर लाइन की सुविधा रखनी चाहिए ताकि क्या हो, गंदगी उस वो गंदे पानी से बीमारियां ना फैले, ओके। अब थर्ड पिक्चर में देखो, एक लड़की कचरा ऐसे ही रास्ते में फेंक रही है और उसी के नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की डस्टबिन का यूज कर रही है। तो ये दोनों में से कौन सा अच्छा पिक्चर है, डस्टबिन का यूज करना अच्छा है ना, क्योंकि वही कचरा अगर हमारे आसपास वो कुत्ते रहते हैं, गाय रहती है, वो खा जाएंगे तो क्या करेंगे, वो बीमार हो जाएंगे ना। और उससे भी कचरा जो अगर हम ऐसे ही रास्ते में फेंक देंगे तो मक्खी मच्छर उसमें सब गंदगी पैदा करेंगे और वही मच्छर हमें घर पे आके काटेंगे तो उससे हमें डेंगू और मलेरिया होगा। तो हमारे फैलाए कचरे से हम ही बीमार होंगे, इससे अच्छा हमें क्या करना है, डस्टबिन का यूज करना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ओके। सो डू यू थ्रो अ गार्बेज इन डस्टबिन, तो यस वी थ्रो अ गार्बेज इन डस्टबिन, हम डस्टबिन का यूज करते हैं ना कचरा फेंकने के लिए। डू यू यूज टॉयलेट, क्या टॉयलेट यूज करते हो, यस वी यूज टॉयलेट और आई यूज टॉयलेट। डू यू वॉश योर हैंड विद द सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, क्या आप अपने हाथ टॉयलेट जाने के बाद और खाने से पहले साबुन से अच्छे से धोते हो ना। अभी तो जैसे ये पैंडेमिक में तो ऐसे ही बता दिया गया है, अभी ये जो बीमारी फैली है कोरोना वायरस की, तो आपको कैसे बताया गया है कि घर आधे घंटे में 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए ताकि हमारे हाथ में जो भी कीटाणु लगे हैं वो क्या हो जाए, साबुन और पानी के साथ नष्ट हो जाए, राइट। तो आपको ये हैबिट रखनी चाहिए
कि कहीं से भी बाहर से खेल के भी आओ या बाहर मार्केट से भी जाके आओ तो सबसे पहले हमारे हैंड वॉश करने चाहिए, फिर हाथ पैर मुंह सब धो के कपड़े चेंज कर लेने चाहिए ताकि हमें ये जो बीमारी अभी चल रही है उससे प्रोटेक्शन मिले। ओके, डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू अ ड्रेन्स गटर और सेफ्टी टैंक? यस, तो हम जो हमारा गंदा पानी है वो गटर में डालते हैं, राइट? यस, सेफ्टी टैंक में डालते हैं। हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स इज यस? तो माय ऑल आंसर्स आर यस। आपके कितने हैं वो आपको लिखना है। ओके, इट इज ट्रू इफ ऑल योर आंसर्स आर यस देन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। अगर आपके सारे आंसर यस है तो आपकी ये ग्रांटेड है, आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी आप जो है वो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश कर रहे हो, एनवायरनमेंट को आप सेव कर रहे हो, बचा रहे हो। ओके, अंडरस्टैंड? अब व्हिच ऑफ आवर प्राइमरी अदर प्राइमरी ड्यूटी शुड बी फॉलोड? तो यहाँ पे देखो कुछ प्राइमरी ड्यूटीज के बारे में मैंने लिखा है तो आपको वो लिखना है मेरे साथ। पहला, क्लीन अवर सराउंडिंग, क्लीन अवर सराउंडिंग, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। और स्कूल। अब नेक्स्ट, पब्लिक प्रॉपर्टीज
तो उसको रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि लोगों में जो है जागरूकता फैले, लोग जो है अवेयर हो जाए कि हमें रेगुलरली हाथ धोने चाहिए। तो जैसे हैंड वॉशिंग डे में आपको अलग अलग स्टेप दिखाए गए हैं, पहले तो सोप को हाथ में लेना है, फिर ऐसे ऐसे धोना है, फिर दोनों फिंगर्स के बीच में दोनों फिंगर को एक दूसरे के ऊपर रब करना है, फिर हमारे थंब को रब करना है, राइट, फिर हमारे नाखून को घिसना है, फिर पूरे हाथ पे ऐसे साबुन लगा के पानी से धोना है। तो ये 5 स्टेप आपको समझ में आया, फर्स्ट रब विद सोप, फिर रब आवर फिंगर्स ऑल अराउंड, देन क्लीन आवर थंब, क्लीन आवर नेल्स एंड देन वॉश फुल हैंड। ओके, समझ आया ना आपको? तभी आप लोग भी ऐसे वॉश करोगे ना आपका हैंड। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दिखाया गया है। देखो, चार पिक्चर है। पहले पिक्चर में क्या है, एक लेडी कचरा जो है वो ऐसे ही रास्ते में फेंक दे रही है, दूसरी लेडी डस्टबिन का यूज कर रही है, तीसरे पिक्चर में भी वही लेडी जो है वो कचरा बाहर ही फेंक दे रही है, चौथे पिक्चर में एक लड़का बीमार हो गया और डॉक्टर उसकी जो है वो जांच कर रहे, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, सो उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर्स हम समझेंगे। व्हाट इज गुड इन अ बोथ पिक्चर्स, तो ये दोनों पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में और फर्स्ट पिक्चर में गुड क्या है? तो फर्स्ट पिक्चर में गुड है अ लेडी थ्रोइंग अ गार्बेज इन अ डस्टबिन, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन अ बोथ पिक्चर, दोनों पिक्चर में क्या है? अ लेडी थ्रो अ गार्बेज ऑन अ स्ट्रीम, तो ये एक गलत बात है। व्हेन डू यू डिस्पोज ऑफ फॉर अ विश मटेरियल ऑफ योर हाउस, आपके घर का जो कचरा होता है वो आप कहां पे डालते हो? डस्टबिन में, राइट। व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ अ स्ट्रीट रबिश, अगर आपके स्ट्रीट में आपके मोहल्ले में अगर कचरा है तो वो कचरे को निकाल करने के लिए कौन से फैसिलिटीज है? तो कचरे वाला आता है, राइट, वैन लेके, तो वो ट्रैक्टर लेके आता है या टेम्पो लेके आता है, रबिश टेम्पो या ट्रैक्टर आता है, राइट, म्यूनिसिपालिटी की ओर से, तो वो हमारे यहाँ डिस्पोजल का वे है। ओके, व्हेन डू यू रिलीज द डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस, आपके घर का गंदा पानी कहाँ जाता है? गटर में जाता है ना। ओके, अब नेक्स्ट डे प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल, तो अमित और राहुल का प्लांट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले पिक्चर में अमित और राहुल बातचीत कर रहे हैं, फिर अमित ने जो है राहुल को धक्का दिया, राहुल गिर पड़ा, उसको चोट भी लग गई और प्लांट भी जो है गिर गया, फिर दोनों ने मिलकर प्लांट को खड़ा किया और दोनों जो है प्लांट को पानी दे रहे हैं। तो इसके नीचे के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? सो इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट अमित एंड राहुल इज टॉकिंग नियर अ प्लांट। व्हाट इज अमित डूइंग, सो अमित इज हेल्पिंग अ राहुल। व्हाट डिड द राहुल डू आफ्टर प्लांट हैड बीन अप्रूव्ड, राहुल ने क्या किया प्लांट अप्रूव होने के बाद? राहुल रिपेयर दैट प्लांट, राहुल आफ्टर अप्रूविंग दैट प्लांट, राहुल अगेन रूटेड इट एंड गिव इट गिव इट अ वाटर। व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू, सो राहुल को क्या करना चाहिए था? राहुल हैव टू बी केयरफुल बिफोर डैमेजिंग दैट प्लांट। ओके, सो व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर अ गार्डन, आपको गार्डन की देखभाल करने का काम दिया जाएगा, आप क्या करोगे? सो आई गिव अ वाटर टू एवरी प्लांट्स एवरी डे, आई मेंटेन क्लीनिनेस इन अ गार्डन, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे अगेन दो पिक्चर दिया गया है। तो पहले पिक्चर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, जैसे कि बारिश आ रही है, बारिश का पानी छत से सीधा यहाँ एक टैंक में जा रहा है, और दूसरे वाटर में लड़का जो वो हैंडपंप का यूज करके उसको जितना पानी चाहिए उतना ही निकल रहा है, तो ये अच्छी बात है, राइट। अब दूसरे यहाँ पे सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया गया है, दो लेडीज आपस में बात कर रही है और उसका जो मटका है वो भर गया है, फिर भी पानी नीचे
भी हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, हार्म होता है। फिर एक लड़की गाना सुन रही है, एक आदमी जो है अपनी भैंस को नहला रहा है नदी के अंदर, तो वो भी पानी को खराब कर रहा है। एक लड़का जोर जोर से लाउड स्पीकर पे जो है गाने बजा रहा है, वो भी क्या हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। अब ये अच्छी बात नहीं थी, एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, कचरा डस्टबिन में फेंक रहा है, उसके बाजू में जो है रोड पे ऐसे ही कचरा पड़ा है, और यहाँ पे जो देखो हैंडपंप में भी आजू बाजू पानी है। तो यहाँ पे कुछ दो पिक्चर्स ऐसे है जो गुड है, बाकी के सब बैड एक्टिविटीज के पिक्चर्स है। समझ आया आपको? चलो नेक्स्ट। राइट, व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाई एंड नोट डाउन व्हाई यू डू नॉट डू। सो अगर आपको इस एक्टिविटीज में बोला जाए कि ऐसे में से आप कौन सी चीजें करना चाहोगे और कौन सी नहीं करना चाहोगे, क्यों? जैसे कि हम क्या करेंगे, यूज ईयरफोन, ईयरफोन का यूज करेंगे ना कि हम लाउड स्पीकर पे जो है गाने बजाएंगे। अगर हमें म्यूजिक सुनना पसंद है तो हम ईयरबड्स डाल देंगे ताकि आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फिर हम अगर हमें यहाँ पे ट्री को कट नहीं करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो आदमी नहला रहा है वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। अगर उसको नहलाना ही था तो वो क्या कर सकता था, नदी किनारे पे खड़ा या उसके प्लेस पे खड़ा रख के बकेट से पानी डाल के भी गाय को या भैंस को नहला सकता था ना। तो ये चीजों के बारे में आपको लिखना है। व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी ऑबेड टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि मैंने हमारी प्राइमरी ड्यूटीज लिखी है, वैसे ही कौन सी ड्यूटीज है जिससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है, उसके बारे में लिखना है। अब हमारे ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्लासरूम एक्टिविटी, उसमें आपको गेम खेलनी है। वो गेम जो है आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे दी गई है। तो कौन सी है, ये चिपको ये वाली, सॉरी, रिलीज अ डर्टी वाटर, कीप वाटर कंटिन्यूसली ऑन वाइल ब्रशिंग टीथ। तो यहाँ पे रॉन्ग जो जो है वो क्या है, जो बैड एक्टिविटीज है उस पर रॉन्ग किया गया है और गुड एक्टिविटीज है उस पर स्माइली दी गई है। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, द हैबिट ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज इन डिचीज आउट ऑफ द सिटी अमंग द वेस्टर्न कंट्री वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन एथेंस इन 500 BC। इन इंग्लैंड यू रिक्वायर्ड अ लाइसेंस टू बाय अ टेलीविजन। तो यहाँ पे फैक्ट में क्या दिया गया है कि कचरे को कचरा पेटी में फेंकने की ये जो हैबिट है वो वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों से हमारा डेवलप हुई है और 500 BC में वो डेवलप की गई थी। और दूसरा फैक्ट आपको ये बताया गया है कि अगर इंग्लैंड में आपको टेलीविजन खरीदना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बारे में समझ आया, हमारी मोरल ड्यूटीज क्या है, एनवायरमेंट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, गार्बेज कहाँ फेंकना चाहिए, टॉयलेट का यूज करना चाहिए, हैंड वॉश रेगुलरली करना चाहिए, हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ आया। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो या फिर मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।